जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे डे 18 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 16 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक कर दो तो वहां से डे 1 से लेके डे 16 तक सिंपल मेरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज छोटे पे करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यानी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखी है, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है, बाद में वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन निकालना है। किस किस का रिलेशन बीच बिटवीन निकालना है अपन को, जीरोस का और कोएफिशिएंट का। एक बार समझते हैं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखी है, इसके जीरोस फाइंड करना है, बाद में वेरीफाई रिलेशन बिटवीन निकालना है, किन किन के बीच में निकालना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले अपन जीरोस फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो आपने कौन लिखा पहले, गिवन लिखा आपने, कौन लिखा पहले आपने, गिवन कॉमा लगाया। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए ये अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अभी नहीं है, क्यों, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होती है, पहले स्क्वायर आता है, फिर x आता है, फिर नंबर आता है, यानी उसका फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। यानी पहले स्क्वायर आता है, फिर x आता है, और ए बी सी मतलब क्या होते हैं, नंबर होते हैं। इसको अरेंज करते हैं और लगा के देखिए, पहले कौन आएगा स्क्वायर वाला, अब कौन आएगा x वाला, माइनस का 7x, लास्ट में कौन आएगा, नंबर आएगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला होता है उसी रूप में, अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बन चुका है। अब इसके करेंगे अपन जीरोस फाइंड, अपन करेंगे इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो इसमें अपन करेंगे फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। तो आप सभी को बताया फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले अपन आगे का इनटू पीछे करते हैं, 6 का इनटू -3 में करेंगे, 6 का इनटू -3 में करेंगे, 6 का इनटू -3 करने पे कौन आता है, माइनस का 18। अपन ने कौन किया, इनटू किया। अब देखते हैं बीच में नंबर, तो आपके पास बीच में नंबर कौन है, माइनस का 7, बीच में कौन है, माइनस का 7, तो अपने कौन लिखा, माइनस का 7। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, उन्हीं दोनों नंबर से इनटू करने माइनस का 18 आ जाए, उन्हीं दोनों नंबर से माइनस करने पर 7 आ जाए। तो मैंने आपको यह सिखाया था, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये देखो सबसे छोटा नंबर टेबल कहां से स्टार्ट होती है। तो आप पहले ये देखो 18 किसकी टेबल में आता है, तो आप बोल दो 18 2 की टेबल में आता है, कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो 2 और 9 से हम चेक करते हैं कि इनटू करने माइनस के 18 आया कि नहीं आया, माइनस करने 7 आया कि नहीं आया, ठीक है। 2 से और 9 से, 2 पर 2 नीचे, 9 ऊपर 9 नीचे, कौन करना आपको एक बार मल्टीप्लाई करना। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसा दिमाग लगाना है कि हमें इन्हीं 2 और 9 से कौन प्लस करें कौन माइनस करें, कि दोनों प्लस करेंगे दोनों माइनस करें, इनटू करने माइनस का 18 आ जाए, माइनस करने पर 7 आ जाए। तो मुझे एक बार बताइए माइनस करने पर 7 कैसे आएगा, तो माइनस करने 7 जब ये सकता है, बड़ी वैल्यू माइनस का 9 कर लिया, छोटी वैल्यू प्लस का अपन 2 कर लिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इनटू करने पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 इनटू 9 कौन होता है, 18 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, क्यों, 9 माइनस 2 कितना होता है 7, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बोल दो माइनस बड़ा है। तो हमें इनटू करने माइनस का 18 चाहिए था, तो इनटू करने माइनस का 18 आ गया, माइनस करने 7 चाहिए था, तो माइनस करने पर 7 आ गया। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 2 आया और माइनस का 9 आया, हमें यही दो नंबर सेलेक्ट करना था कि इनटू करने माइनस का 18 आया, माइनस करने पर 7 आ जाए। दो नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 2 आया, माइनस का 9 आया। वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, यहाँ वेरिएबल आपके पास कौन है, x, x के साथ लिखोगे, प्लस का 2x और माइनस का 9x। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, फर्स्ट कौन है 6x², लास्ट कौन है माइनस का 3। आपके पास दो नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 2 माइनस का 9, किसके साथ लिखोगे, x के साथ लिखोगे, प्लस का 2x और माइनस का 9x। अब क्या करते हैं, शुरू के दो में से और बाद के दो में से अपन लेते हैं कॉमन। अब देखिए दो में कॉमन कैसे लेंगे, देखिए जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन, 6 कम है कि 2 कम है, आप बोल दोगे 6 और 2 में कौन कम है, 2 कम है, कॉमन या कम लेते हैं या फिर इक्वल हो बराबर वो कॉमन लेते हैं। तो 6 और 2 में कौन कम है, 2 कॉमन लिया,
एक्स कितनी बार है, दो बार, यहाँ एक्स कितनी बार, एक बार, तो एक्स एक वाला कम होता है कि दो वाला कम होता है, एक्स एक वाला कम होता है, तो आप कॉमन कौन कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे। अब आप क्या करोगे, 2x आपने कॉमन लिया तो 2x डिवाइड आप 6x स्क्वायर में भी करोगे और 2x डिवाइड आप 2x में भी करोगे। तो सबसे पहले हम 2x डिवाइड 6x स्क्वायर में करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, 2 की टेबल में 6, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ये सिंगल x है डबल x है, जब सिंगल x का डबल x में डिवाइड करोगे, 1x से 1x क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा सिंगल x, प्लस का प्लस। अब आप 2x डिवाइड 2x में करोगे तो 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, x से x भी कैंसिल हुआ, आपके पास कौन बचेगा 1 बचेगा, माइनस का माइनस। अब 9x माइनस 3 देखते हैं कौन कॉमन लेंगे, 9 कम है कि 3 कम है, तो आप बोल दोगे 9 और 3 में कौन कम है, 3 कम है, तो आप कौन कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे। अब माइनस 3 के डिवाइड माइनस 9x में करेंगे, माइनस 3 के डिवाइड माइनस 3 में करेंगे, तो सबसे पहले माइनस 3 के डिवाइड माइनस 9x में करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 की टेबल 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, x का x। अब माइनस 3 के डिवाइड माइनस 3 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 की टेबल 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब ध्यान रखना अगर ब्रैकेट के दोनों सेम आएंगे तो ही आपका आंसर सही होगा, वरना आपका आंसर गलत होगा। ये दोनों कैसे आएगा सेम, तो हम कितनी बार लिख लेंगे, एक बार, 3x plus 1, 3x plus 1 कितनी बार, दो बार, कितनी बार लिख दो, एक बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, 2x minus का 3। अब कौन फाइंड करना था, जीरोस फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है जीरोस, तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, सो कॉमा लगाओगे, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन की लाइन, अब देखो अपन ने फैक्टराइजेशन ऊपर के द्वारा किया है नीचे के द्वारा किया है, नीचे के द्वारा किया तो नीचे वाली लाइन आएगी, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 विल बी जीरोस, फुल स्टॉप देन लगा दो कॉमा। अब देखो जीरोस फाइंड करना, दोनों साथ ले जाओ जीरोस, पहले आपके पास कौन आया है 3x प्लस 1 आया है, एक कॉल में कौन कर दोगे जीरो, कॉमा लगा दोगे। अब आपके पास दूसरा वाला कौन आया है 2x माइनस 3, इक्वल टू में कौन कर दोगे जीरो कर दोगे। अब आगे देखिए 3x का 3x, जीरो का मतलब होता है क्या नहीं, वन किस में है प्लस में, कहां जाएगा माइनस में, 2x इक्वल टू जीरो का मतलब होता है क्या नहीं, 3 किस में है माइनस में, कहां जाएगा प्लस में, x इक्वल टू माइनस वन का माइनस वन, बीच में कुछ ना क्या मानते हैं मल्टीप्लाई मानते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा डिवाइड में, x इक्वल 3 का 3, 2 के इसमें मल्टीप्लाई कहां जाएगा डिवाइड में, ये आपने कौन फाइंड कर लिए जीरोस। अब वो वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन निकालना जीरोस का कोएफिशिएंट का, तो सर जीरोस और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट मतलब होते हैं नंबर, जीरोस मतलब होते हैं अल्फाबेट। अब देख कैसे वेरीफाई करोगे, लिखोगे नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देख कैसे, को ध्यान से देखना, आपके पास पहला आंसर कौन आया माइनस वन अपॉन थ्री, पहला आंसर कौन है माइनस वन अपॉन थ्री, तो यहां भी पहले लिखो माइनस वन अपॉन थ्री, पीछे भी लिखो पहले माइनस का वन अपॉन थ्री, तो पहला आंसर आगे लिखा, पहला आंसर आपने आगे लिखा। अब देखिए आप सब लोग जानते हो सम मतलब कौन होता है प्लस, तो कौन लगाया आपने प्लस, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो आपने कौन लगाया मल्टीप्लाई। अब आपके पास सेकेंड आंसर कौन आया है थ्री अपॉन में टू, तो अब सेकेंड आंसर कौन लिख दोगे थ्री अपॉन में टू, तो अब सेकेंड आंसर कौन लिख दोगे थ्री अपॉन में टू। अब लेंगे अपन एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे आप सभी को पता होगा अगर नीचे अलग अलग नंबर हो, नीचे अलग अलग नंबर हो तो हम कितनी इनटू करते हैं तीन बार करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर बीच में प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो और नीचे के नंबर अलग अलग हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितनी मल्टीप्लाई होता है तीन बार। कैसे देखिए, सबसे पहले करते हैं नीचे का इनटू, हम नीचे करेंगे थ्री का इनटू टू में करेंगे, तो थ्री टू ये कितना होता है सिक्स, अब ऊपर का इनटू हम नीचे करेंगे, माइनस का माइनस लगा है ऊपर का नीचे, वन का इनटू टू में करेंगे तो वन इनटू टू कितना होता है टू, प्लस का प्लस, अब नीचे का इनटू ऊपर करेंगे थ्री का इनटू थ्री में करेंगे तो थ्री इनटू थ्री कितना होता है नाइन, नाइन माइनस टू कितना हुआ सेवन, नीचे कौन है सिक्स। आगे देखिए इनटू करने आमने सामने होता है मल्टीप्लाई माइनस, वन इंटू थ्री कौन होता है थ्री,
थ्री इंटू टू कौन होता है सिक्स। अब ध्यान से देखना, अपन एक फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे कौन लिख दो कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, देखिए जी अपना यहां फॉर्मूला आगे होता है, फॉर्मूला अपना पीछे होता है। आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, हर बार सम ऑफ द जीरोस में ऊपर वाली वैल्यू, नीचे से मतलब नहीं है, सम ऑफ द जीरोस में ऊपर वाली वैल्यू, सम ऑफ द जीरोस में ऊपर वाली वैल्यू। अगर ऊपर आंसर माइनस में होता तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, अगर ऊपर आंसर प्लस में है, अगर ऊपर आंसर प्लस में है तो एक साइन माइनस का आता है अंदर, एक साइन माइनस का आता है बाहर। ऐसा क्यों करा देखिए, आपको मतलब समझाता हूं मैं। देखिए अब हम वैल्यू चेक करते हैं हमारी वैल्यू वेरीफाई या नहीं है, देखिए कैसे। समझने के लिए देखो, ये माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, समझने के लिए माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल। आपके पास एक्स की वैल्यू कौन कहलाएगी माइनस सेवन, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कौन कहलाएगी माइनस का सेवन। तो देखिए अपन एक्स की वैल्यू चेक करते हैं, तो आपके पास देखिए एक्स की वैल्यू कौन है माइनस का सेवन, आगे देखिए सही है यहां तक अपन। अब देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन कहलाएगी प्लस का सिक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन कहलाएगी प्लस का सिक्स। तो आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन कहला रही है प्लस का सिक्स, आगे देखिए कॉन्स्टेंट टर्म मतलब होता केवल नंबर हो, तो आपके कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कौन कहला रही है माइनस का थ्री। तो आपके पास देखिए कॉन्स्टेंट टर्म केवल कौन है माइनस थ्री, कौन है माइनस थ्री, आगे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन कह रही है प्लस का सिक्स, देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन है प्लस का सिक्स। इसलिए अपन ने साइन माइनस का अंदर किया, साइन माइनस का बाहर किया, क्योंकि अपन को वेरीफाई करना था जीरो स्कोर कोएफिशिएंट का, अगर वेरीफाई नहीं होती तो अपना आंसर गलत होता। इसी पे अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।